नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का पीएम ने किया शिलान्यास। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक। उपचुनाव के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार घोषित। सीएम नीतीश को लेकर मीसा भारती ने किया बड़ा दावा। पटना में सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने कई लोगों को रौंदा। पटना में दिन दहाड़े अपराधियों ने होटल मालिक को मारी गोली। सिवान में ज्वेलरी दुकान से 55 लाख की बड़ी लूट। गया में सीआरपीएफ की मिनी बस को उड़ाने वाला कुख्यात गिरफ्तार। बिहार के कई जिलों में कल छाएगा घना कोहरा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एयरपोर्ट पर 912 करोड़ की लागत से बनने वाले अस्थायी सिविल एनक्लेव टर्मिनल भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से टर्मिनल भवन के निर्माण का वह बनारस से शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े। अस्थायी सिविल एनक्लेवन बन जाने से दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा में वृद्धि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। विशाल टर्मिनल भवन को एक साल में करीब 43 लाख यात्रियों की आवाजाही के मद्देनजर डिजाइन किया गया है। स्थानीय बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। वहीं जेडीयू सांसद ने कहा कि मिथिला के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बिहार में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लग गई है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री को लेकर रणनीति बनाई गई। सूबे में 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चारों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि एकजुट होकर मजबूती से लड़ेंगे और चारों सीटें जीतेंगे। साथ ही यह भी बताया कि उपचुनाव में प्रचार के लिए कोई भी केंद्रीय मंत्री नहीं आएंगे, प्रदेश स्तर के नेता ही प्रचार करेंगे। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि उपचुनाव में एनडीए के सभी घटक दल मजबूती से एक साथ मिलकर कैसे चुनाव लड़ेंगे, इस पर चर्चा हुई और सब एकजुट से चारों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। महागठबंधन ने 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम की घोषणा कर दी है। इमामगंज से रोशन कुमार मांझी, बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से अजित कुमार सिंह और तरारी से राजू यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। राजद कार्यालय को इंडिया गठबंधन के घटक दलों की संयुक्त प्रेस वार्ता में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। प्रेस वार्ता में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, सीपीआईएमएल कुणाल, सीपीएम के अरुण मिश्रा मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। सीपीआईएमएल के राज्य सचिव कुणाल ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन बिहार विधानसभा के चारों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करे। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति खराब हो गई है, बिहार में भी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है, बिहार के लोग भी परिवर्तन चाह रहे हैं। 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राजद सांसद मीसा भारती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, इसे लेकर जेडीयू के किसी नेता को कुछ पता नहीं है। नीतीश कुमार क्या करेंगे या सिर्फ उन्हीं को पता है, उनके अगल बगल के किसी व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं है, चाहे वह संजय झा ही क्यों नहीं हो। हालांकि राजद के साथ नीतीश कुमार के आने की किसी संभावना से उन्होंने इनकार किया है। वहीं झारखंड चुनाव में सीट बंटवारे पर राजद की नाराजगी से जुड़ी खबरों पर मीसा ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सीटों को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसे नाराजगी नहीं कह सकते हैं। वहीं जहरीली शराब से मौतों को लेकर सीएम नीतीश को आरे हाथों लिया। मीसा ने कहा कि जहरीली शराब और शराब तस्करी पर सरकार क्या कर रही है यह दिख रहा है। अब तो केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। आज जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता वीना मानवी ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। वीना मानवी ने के साथ विजय गुप्ता और बड़ी संख्या में लोगों ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री शीला मंडल सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
पटना के वीरचंद पटेल पथ पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे कई लोगों को कुचल दिया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार सभी की हालत गंभीर है। इस कार पर हाईकोर्ट का स्टिकर चिपका था। इस घटना के बाद मौके से कार चालक फरार है। बता दें कि कार में बैठे अन्य चार लोगों पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंच के जांच में जुट गई। पटना में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया है। बदमाशों ने दिन दहाड़े होटल कारोबारी को 5 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बेखौफ बदमाशों ने पटना जंक्शन के पास हत्या कर दी है। फिलहाल हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। वहीं वारदात की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से 5 खोखा बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई। सिवान के नौतन बाजार में ज्वेलरी की दुकान में बड़ी लूट हुई है। करीब 50 से 55 लाख की ज्वेलरी की लूट कर बदमाश फरार हो गए हैं। 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया। नौतन थाना क्षेत्र के नौतन बाजार स्थित जय मां लक्ष्मी ज्वेलर्स दुकान की घटना बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ की, साथ ही दुकान में रह रहे लोगों से भी घटना की जानकारी ली और मामले की छानबीन कर रही है। गया में सीआरपीएफ की मिनी बस को आईईडी लगाकर उड़ाने की घटना में शामिल एक कुख्यात नक्सली की गिरफ्तारी की गई। एसडीएफ और गया पुलिस की छापेमारी में इस धरदबोच किया गया। यह 9 साल बाद गिरफ्त में आया है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की मिनी बस को उड़ाने की घटना में 2 जवान शहीद हो गए थे, वहीं आधा दर्जन के करीब गंभीर रूप से घायल हुए। गया एसएसपी आशीष भारती को सूचना मिली कि सीआरपीएफ की मिनी बस को आईईडी का विस्फोट कर उड़ाने वाले नक्सली बसंत महतो अपने घर को आया हुआ था। सूचना के आधार पर एसएसपी ने एसडीएफ और गया पुलिस को मिलकर सुरक्षा बलों की विशेष टीम का गठन किया। सुरक्षा बलों ने देवचंद्र डी गांव के इलाके में घेराबंदी की। वहीं पुलिस की घेराबंदी को देखकर बसंत महतो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे सुरक्षा वालों ने धर दबोचा। बिहार में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। हवा की गति मध्यम रहने से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। हल्की ठंड के बीच कल की सुबह सफेद चादर जैसे घने कुहासे के साथ होगी। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक एस के पटेल की माने तो सोमवार को बिहार के अधिकतर जिलों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिलेगा। खासतौर पर ग्रामीण और नदी किनारे के क्षेत्र में इसका असर ज्यादा हो रहा है। कुहासे का असर बिहार के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है, जहाँ सुबह की शुरुआत घंटों में दृश्यता कम हो रही है। इसका असर सड़क यातायात पर पड़ रहा है, जिससे वाहन चालकों को धीमी गति से चलना पड़ रहा है।